28 दिन कैद में रह के जिदे विचों 9-10 महीने वो बीमार रहे, महाराजा खड़क सिंह अपनी परजवानी विच संसार विचों तुर गए। दूसरे बने जरा तकिए कि महाराजा खड़क सिंह 8 अक्टूबर गिरफ्तार होए सन, 9 अक्टूबर 1839 ईस्वी नूं पंजाब दा नवा बादशाह कंवरनौ निहाल सिंह बनाए गए सन। कंवरनौ निहाल सिंह लोहड़े का खूबसूरत और पंजाब का यूसुफ बादशाह, उसके हुसन के चर्चे सन, उसकी लियाकत की तान सी, वो दुनिया दी कई जबाना जानता, अंग्रेजी विच उसनू बड़ी वड्डी महारत सी, वो बड़ा अच्छा अंग्रेजी बोल सकता सी और बहुत खुशखत अंग्रेजी लिखता। कंवरनौ निहाल सिंह के खत लिखे हुए, उन्हां दी फोटो स्टेट कॉपी तुसी बाबा प्रेम सिंह जी होती दे लिखे हुए जीवन कंवरनौ निहाल सिंह विच अज वी वेख सकते हो। वो इन्ना खूबसूरत लिखता सी कि मन मोह लैंदा, वो केवल शक्लो शुबाहत करके ही सोहना नहीं, वो अपने सिपाहियां दा हर दिल प्यारा सेनापति, वो एक योग एडमिनिस्ट्रेटर सी और मैकग्रेगर दी नजरां विच वो पंजाब का बड़ा वड्डा मान। वो कहिंदा है कदे जिंदगी उस नाल वफा कर जांदी वो पंजाब की तारीख बदल के रख दे। वो इन्ना सियाणा सी कि वो अपने सिपाहियों की कवैद और परेड रोज आप वेखदा, जरूरी मसलों उत्ते बड़िया योग विचार दे सकता सी और अहम मसले और अहम मुकदमे वो आप सुनदा। डोगरां दीयां साजिशां तो भी वो अपनी जिंदगी के अखीर विच बड़ी चंगी तरह जाणू हो गया। इसे ही वास्ते उसने डोगरा वजीर राजा ध्यान सिंह की ताकत नूं खत्म करने वास्ते पंजाब दे चोणवें सरदारां दी एक राज सभा और कौंसल बनाई। उस विच सरदार अजीत सिंह संधावालिया, भाई राम सिंह, फकीर अजीजोद्दीन, राजा ध्यान सिंह इतिहादक चोणवें सरदार शामिल सन। उन्हां दी राय नाल ओह सारा प्रबंध देश दा करदा। राजा ध्यान सिंह भी इह तार गया सी कि इस होनहार नौजवान दे सामने मेरी औखी गलेगी। जदों कोई कारज राजसभा जां कौंसल करे इहदा अर्थ इह सी कि राजा ध्यान सिंह डोगरा अपनी मनमानी नहीं सी कर सकदा। इत्थे ही बस नहीं, राजा गुलाब सिंह डोगरा जम्मू का अपने आप नूं खुद मुख्तियार हाकम बनिया होया समझ चुका। उसने 3 साल तो सिख राज दे खजाने विच पाउण वाला मामला नहीं सितारिया। कंवरनौ निहाल सिंह ने फौजां भेज के राजा गुलाब सिंह डोगरे कोलों जम्मू तो मामला अगराया। इत्थे ही बस नहीं, उसने पहाड़ी रियासतां दे बूहिआं उत्ते अपनी खास फौज भेजी और उन्होंने अफसर वह नियत किए सरदार अजीत सिंह संधावालिए और कर्नल वेंतूरा वर्गे जेडे डोगरिया के जानी दुश्मन सन। यह सब कुछ हो रहा सी ते राजा ध्यान सिंह इस बड़े गौह नाल तक रहा। वो समझदा सी कि जे कंवरनौ निहाल सिंह जिंदगी ने कुछ होर कुछ वक्त या पल दे दिते तो डोगरिया की ताकत पंजाब विचों बिल्कुल खत्म हो जाएगी और हीरा सिंह नूं पंजाब का बादशाह बनाने के मेरे मनसूबे मिट्टी विच मिल जाने। जे राजा ध्यान सिंह डोगरा यह वेख रहा सी तो आराम नाल नहीं सी बैठा, वो अपनी गोंदा गुंद रहा, वो अपने नाल कुछ बंदियां नूं गंढ रहा और खास तौर पर कर्नल अलैगजेंडर गार्डनर उसका गूढ़ा मित्र सी जिहड़ा तोपखाने का एक अमरीकन अफसर सी महाराजा रणजीत सिंह जी। सतसंग ते समा उसनूं उदों मिलिया जदों महाराजा खड़क सिंह इस दुनिया चों तुरे। अगले दिन महाराजा खड़क सिंह जी की जिखा डेरा साहब के लागे, पिता जी के लागे, महाराजा रणजीत सिंह के लागे जेठे पुत्र की मड़ी तैयार की गई। 11 राणियां सवाए चंद कौर तो महाराजा खड़क सिंह सती होने वास्ते तुरिया। लाहौर के शहर में और उसके वातावरण में दूसरी बार मौत वर्गी भयानक चुप छा गई। जो कुछ पहला तकिया सी तारीख ने वह फिर वेख्या। राणियां विआह वाले कपड़े पा के तुरिया जा रही सन,
अपने गल विचों हीरे मोती सोने के गहने कंठे बुक्कियां आदिक ला ला के गरीबों नूं दान दे रही क्योंकि उन्होंने अपने पति के नाल तुर जाना सी संसार नूं छड्ड के ये गहने उन्होंने किसी काम नहीं सी रह गए ये मोती उन्होंने हंडाने नहीं सन इस वास्ते वो वार खोंदियां अपना आप जान तोड़ दियां वो महाराजा खड़े सिंह की अर्थी के मगर मगर तुरियां जा रही सन ते जिंदगी दी खेड हार चुका कमरनों निहाल सिंह भी अपने बापू दी अर्थी दे नाल तुरिया जा रहा है मोढ़े दे चुक कौन जानता सी कि अज एक नहीं बल्कि पंजाब दी बदनसीब धरती उत्ते दो मड़ियां तैयार कीतियां जाण कमरनों निहाल सिंह शमशान भूमि विच पहुंचे महाराजा रणजीत सिंह जी दी समाधि दे लागे उहदे अपने प्यारे पिता महाराजा खड़ग सिंह लई चंदन दी लकड़ी दी चिखा चिणी उहदे उत्ते लटाए गए पंजाब के दूसरे बादशाह महाराजा खड़ग सिंह कंवर नौ निहाल सिंह ने अपने हथां नाल अपने पिता की उस मड़ी नूं लंबू लाया लाटां निकलनियां शुरू होईयां जे को कसर सी पंजाब के राजभाग के नष्ट हो जाण विच उह लगभग पूरी हो रही लागे खलोता होया कर्नल अलैगजेंडर गार्डनर राजा ध्यान सिंह डोगरा और कंवर नौ निहाल सिंह मियाँ ऊधम सिंह डोगरा राजा गुलाब सिंह जम्मू का वड्डा बेटा बाकी दे सारे सरदार मजीठिए सरदार महारानी चंद कौर बीबी नानकी सरदार श्याम सिंह अटारी की सपुत्री और कंवर नौ निहाल सिंह की पटराणी कोल खड़िया सन हजार हसपाही बरदी हुई चिखा हसरत भरिया निगाहों तक रहे तो अपने मथे ते हाथ मार के आख रहे सन भावी ना जाना तेनू की मंजूर है सिखां दी तकदीर नूं पता नहीं तूं किहड़े बन्ने लैके जा सिख राजनीतिक शक्ति ने जिस बेड़ी ते सवारी कीती है पता नहीं किहड़े मंझधार विच डुबणी इह सोचां सोच रहे सन जां राजा ध्यान सिंह डोगरे ने कर्नल अलैगजेंडर गार्डनर दे कन्न विच कुछ काली काली गल्लां कीतियां सुणदिआं सार ही कर्नल अलैगजेंडर गार्डनर उस चिखा दे लागों अपने क्वार्टर नूं दौड़िआ जल्दी जल्दी तुरिआ राजा ध्यान सिंह ने कुछ आख्या जो कुछ आख्या वह कर्नल स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी है द रेनिंग फैमिली ऑफ लाहौर लिखी उन्हें कर्नल अलैगजेंडर गार्डनर नूं आधार बना के कर्नल अलैगजेंडर गार्डनर की लिखी हुई पहली किताब जिसका नाम है मेमोयर्स ऑफ कर्नल अलैगजेंडर गार्डनर वाइल स्टेइंग इन पंजाब उहदे विच उसने दुखांत नूं लिखिया इस दुखान के पर्दे की पल रहा है तुम हने हने वेख लो एक छज्जा है एक डाट है मैराब है उस डाट के थल्यों की लंघ के कंवर नौ निहाल सिंह ने पिता का संस्कार करके वापस अपने महल में मुड़ना है अपनी रिहायशगाह सम्मन बुरज में लाहौर के किले में वापस परतना है इस मैराब के उत्ते खलो के अगर शमशान भूमि वालू अपनियां नजरां कीतियां जान ते पिठ वाले बन्ने महाराजा रणजीत सिंह की बनाई हुई संगे मरमर की हजूरी बारह वरी नजर आउंदी खजे बने लाहौर का शाही किला खब्बे बने समाध महाराजा रणजीत सिंह ते बादशाही मस्जिद मैं महसूस करता हाँ कि तुसी उस सेध नूं उस थां नूं हुण अपने दिमाग में थां दे ली होगी तुसी समझ सके होगे कि वह थां किहो जी इस खजे दे उत्ते कर्नल विजय सिंह इंजीनियर अपना काम करने वास्ते राजा ध्यान सिंह के कहे मुताबिक बैठा हो इन्हें उस डाट के त्रेड़ पा दी हुई है इस डाट नूं उत्तों लैके तोड़ दिता गया इनिया कि इटा अड़िया रहन दित्तियां ने कि लोड़ पैण उत्ते जदों जीकरे इन्हां नूं सुट्टिया जा सके इस त्रेड़ दे विच उसने बारूद दीआं बत्तियां नप दित्तियां हुंदियां उन्हां नूं तोड़े ला दिते ने केवल अग लाउणी बाकी स्कीम ए बनी गई बनाई गई कि इस अधूरी बारह दरी उत्ते राजा हीरा सिंह डोगरा खलोवेगा राजा ध्यान सिंह का पुत्र इस बारह दरी से खलोवेगा ताकि वह वेख सके कि डेड़ी के अहम थले कंवरनों निहाल सिंह आ गया कि नहीं जदों वेख लवे कि कंवरनों निहाल सिंह डेड़ी के थले आ गए उदों रुमाल का इशारा करे और कर्नल विजय सिंह उस वेले बारूद को अग ला दे इस तो पहला कि कंवर साहब उस ड्योड़ी विचों बाहर निकल सकन वह महराब वह डाट टुट के वह छज्जा डिग पएगा कंवर नौ निहाल सिंह उत्ते
और कंवरनों ने हर सिंह पिता के नाल ही इस दुनिया च तुर जाए। यह स्कीम बनाई गई। इस स्कीम नूं सिरे चढ़ाउण वास्ते उन्हें कर्नल अलैक्जेंडर गार्ड नूं आख्या कि मैनू अपने तोपखाने के 40 सिपाही लिया के दिओ और फौरन नाल इक पालकी लैके आओ। वो पालकी आपने उस दसे हुए टिकाने उत्ते रखनी है जिस टिकाने उत्ते उन्होंने डाट विच बारूद भरिया होया। कर्नल अलैक्जेंडर गार्डनर अपनी कहानी विच बड़ा तफसीलन बयान करता है कि जदों मैं अपने सिपाही वापस लैके आया पालकी लैके मेरे आउंदियां नूं कारा वरत चुका। ते कारा की सी? राजा ध्यान सिंह डोगरा जदों ये कुछ कर रहा सी उदों नौ निहाल सिंह नूं शक पए। वो किले वल परतण लगा। जदों मौत आउंदी है मनुख की उदों कहिंदे ने भी अकलां कम नहीं करदे। जदों काल आउंदा है मनुख का उहदी सोच जवाब दे दिंदी। इन्ने सरदारां दे हुंदे आ महाराजा खड़ग सिंह गुजरे है। साधारण आदमी गुजर जाए तो वही अर्थी के नाल सैकड़े आदमी जाते हैं। पंजाब का बादशाह गुजरिया हो उस वे कंवरनों ने हाल सिंह कला किले तुर पवे ऊधम सिंह नाल लैके सवाए काल ने चक्कर नहीं सिर पर फेरिया होया तो होर की किया जा सके। कंवरनों ने हाल सिंह ने मियाँ ऊधम सिंह का हाथ फड़िया है। ये राजा ध्यान सिंह का सका भतीजा है मियाँ ऊधम सिंह और राजा ध्यान सिंह डोगरे के सके भरा गुलाब सिंह का पुत्र है। लैके वो किले तुर पे संधा वाली सरदार मौजूद सन। सरदार पुत्र भी नाल तुरे आ रहे। उसने राजा ध्यान सिंह नूं इशारे नाल पुछया हुण की कीता जावे। ध्यान सिंह डोगरे ने जवाब दिता भी जे मेरा एक ऊधम सिंह भतीजा मारिया जांदा है ते कंवरनों ने हाल सिंह मर जांदा है ते यह सौदा महंगा नहीं। यह राजनीति है मित्रों। मैं पिछे भी कहा सी राजनीतिक इंसान किसी का दोस्त नहीं। सियासतदान किसी का मित्र नहीं। सियासतदान किसी का रिश्तेदार नहीं। सियासतदान की अपनी दुनिया उसकी अपनी सोच है उसकी अपनी शर्तें ने अपने फैसले। बेईमान राजा ध्यान सिंह डोगरा हीरा सिंह नूं पंजाब का बादशाह बनाने वास्ते मियाँ ऊधम सिंह की कुर्बानी देने वास्ते तैयार हो। कमरनौ निहाल सिंह हुण चेते आया बापू तुर गया सी ना जीवदियां परवाह नहीं की। हुण सारे संसार में कंवरनौ निहाल सिंह नूं इउं लगदा जिवें मैं अकला रह गई। बड़ा वड्डा आसरा है वालदैन दा पर कोई जाने तां जदों मां बाप सिर ते नहीं हुंदे उदों दुनिया में मनुख नूं सोंझी सोंझ नजर आउंदी। वह पिता सदा दी नींद सौ गया जिहड़ा कंवरनौ निहाल सिंह नूं बुरकियां दे दे पालदा रहा। खड़ाया सी जिन्हें गोद में लोहड़ियां दित्तियां सन। जिन्ना चिर तक बापू जीवंदा रहा कंवरनौ निहाल सिंह दूर रहा। हुण बापू तुर पे है ते कंवरनौ निहाल सिंह दीआं चीकां निकल रही ने। मियाँ ऊधम सिंह का हाथ फड़ के उहदे मोढ़े नाल लगा होया कंवरनौ निहाल सिंह वापस तुरे आ रहा है। अगों मौत किवें स्वागत करेगी वार है चार अखर सरवण का। Thank you.
ਵਿਚਾਰਾ ਪੰਛੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਮਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡੇਵੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਲ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋੜਾ ਦਾਗਿਆ, ਖਜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉੱਡੀਆਂ। ਕਮਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਮੀਆਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਥਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਮਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਛੱਜਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਛੱਜਾ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਗਈ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਛੱਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਕਿਸਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਫੱਟੜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਬੇੜੀ ਡੁੱਬੀ ਵਜ਼ੀਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਗੂ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡਾਲ ਹੋਇਆ, ਘੱਤ ਪਾਲਕੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਬੂਹਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਡੋਗਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਦੱਬਿਆ। ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ। ਮੀਆਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਬਲੀ ਸਕਾਰਤ ਲਾ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ 40 ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ, ਇਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਰੁਪਈਏ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਦਾ ਗੋਲ ਦਾਗ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 4-5 ਬੂੰਦਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਚੋਈਆਂ,
इस तो बहुत ही वड्डी सच नहीं। कंवर नौ ने आल सिंह नूं तां विचारे नूं उठते नूं दबा लिया गया। उन्हां सरदारां विच्चों जिहड़े चिखा दे लागे सत्कार हुंदा तक रहे सन, उन्हां विच्चों एक बंदा बौड़िया सरदार लहणा सिंह मजीठिया। जे बाकी दे उदों हिम्मत कर लैंदे कार दे पंजे विच्चों कंवर नौ ने आल सिंह नूं बचा लिया। पर वास्तव विच इह कारा एक मोड़ ते वापरिया जिस मोड़ तों सत्कार करदे होए आदमी इन्नी दूर सन कि वह इन तक नहीं सन सकते। कंवर नौ ने आल सिंह की पालकी उठाई, उन्हें सवार ने चुकी, वो जो नशे हैं उन्होंने जाके लाहौर के किले का दरवाजा अंदर लंघ के दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करते उत्ते सरदार लहणा सिंह मजीठिया मगर पहुंचा। राजा ध्यान सिंह डोगरे ने धक्के मार के सरदार लहणा सिंह मजीठिया उस किले के दरवाजे तो बाहर कर लिया। डोगरा सिपाहियों ने लाहौर का किला घेर लिया, दरवाजा बंद कर दिता गया। सवाए सरदार लहणा सिंह मजीठिए तो करनल अलैगजेंडर गार्डनर तो डोगरा जुंडी तो होर किसी नूं कुछ मालूम नहीं कि कंवर नौ ने आल सिंह नाल की बीती। विचारा सरदार लहणा सिंह मजीठिया दौड़िया, वो जान गया कि इस किले के अंदर की कुछ होने वाला है, इस बंद दरवाजे के पिछे केड़ी खून की होली खेड़ी जाण वाली। नसया आके उसने महाराणी चंद कौर नूं सारी गल दसी। महाराणी चंद कौर दे जिहड़े अले जख्म सन उन्हां विचों खून फिर उठिया। एक चाक हो तो सीलू हमदम गरेबा अपना, जालम ने फाह डाला है तार तार कर। महाराणी चंद कौर दी किस्मत सदा दी नींद सौण वाली है। बीबी नानकी नूं नाल लैके अपनी नूं नूं वो लाहौर दे किले वल वाहुंदा ही नसीआं। मैग्रेगर कहिंदा है कि लाहौर दे किले दा दरवाजा बंद। महाराणी चंद कौर ने जाके उन्हूं जोर जोर नाल हथां नाल उसनूं कुटिया दरवाजे ने। उस दरवाजे नूं दास ने अपनियां अखां नाल तकिया। मेरी अधूरी जी समझ मुताबक मैं समझदा कोई 40 फुट उच्चा दरवाजा होवे ते कम अज कम 20-25 फुट चौड़ा होवे। उस दरवाजे दे मजबूत लकड़ी दे तख्तियां दे बार बार बड़े बड़े मजबूत लोहे दे तिखे किल ने। इन्हां किलां नाल आके महाराणी चंद कौर हथ मार रही थी, सिर मार रही थी। उहदी नौ अपने मासूम ते कोमल हत्थां नाल दरवाजे कुट रही थी, उन्हां च लहू वग रहा सी। पर बेदर्दियां ने तरस ना की, कौन दरवाजा खोलदा? जदों के कोई आदमी दरवाजा खोलण वास्ते तैयार नहीं, मौत का दरवाजा खोल के कंवर नौ ने आल सिंह उस दरवाजे के पार लंघाउण दी सीमा सोच रहा है, वह बंदा दरवाजा किवें खोल। मैं हैरान हाँ इतिहास के पन्ने खोलदा कि उदों सिख सरदारा ने कोई जरूरी कार्रवाई की उन्होंने। तो मैं समझदा हाँ कि बहुत सारे सरदार उदों डोगरिया ने अपने सोने तो खरीद लै। इतने एक गल आपके नोटिस विच लियावांगा ताकि आप समझ सको कि उस वे सिख सरदारा का आचरण किहो जिहा। उन्हां कोलों कोई उम्मीद रखी नहीं सी जा सकती, ते जे कुछ उम्मीद वाले सन ते उन्हां दी चलदी कोई नहीं। जिस दिन महाराजा रणजीत सिंह जी गुजर गए 15 हार दी रात नूं शाम नूं, उन्हां दी देही अजे लाहौर दे सम्मण बुरज विच पई होई है। लोगों के दर्शन दीदार वास्ते लाहौर का किला खोल दिता गया। सिख सरदार एक थां इकट्ठे होए, उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग विच उन्होंने एक शर्त रखी कि असा महाराजा खड़क सिंह नूं पंजाब दा महाराजा तां मनना है जे वह साडे नाल इह इकरार करन लिखती रूप विच कि महाराजा रणजीत सिंह ने जिहड़ियां जगीरां सानू दित्तियां ने, यानी सरदार कह रहे सन, वह जगीरां पुश्त दर पुश्त और पीढ़ी दर पीढ़ी साडियां रहन, तां असीं महाराजा खड़क सिंह नूं पंजाब दा बादशाह मनना है। यारो निमक हरामी दी एदों वड्डी भी कोई मिसाल हो सकदी? पंजाब का बादशाह अजे मृतक रूप में उहदी देही लाहौर के किले में पई है, उहदा सत्कार नहीं होया। ते जिन्होंने कई वरे उसका निमक खा के सरदारियां हासिल कीतियां सन, रुतबे हासिल किए सन, उन्होंने शर्तां भी रखनिया शुरू कर दी कि असी खड़क सिंह नूं तां बादशाह मनना है जो साडियां जगीरां पुश्त दर पुश्त प्रवान करे। महाराजा रणजीत सिंह जी दे वेले ये जगीरां पुश्त दर पुश्त नहीं सन। महाराजा साहब रुतबे नूं जगीर देंदे सन, ते याद रख लैना उदों तनखाह नकदी विच नहीं सन तरदियां।
ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਗੀਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਾਗੀਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਉਗਰਾਵੇ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5,000 ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਉਹਦੀ ਜਾਗੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਗਵਾਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਟੇ ਸਟੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ। ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਲੀ ਕੂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੇਚ ਲਓ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵੇਚ ਲਓ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਵਰਗ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੰਢਾਉਣ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਉਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਨ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸ਼ਵਰਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਸ਼ਵਰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਅਜੇ ਸੰਸਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੂਸਫ ਜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਲਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਨੌ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਜਰਾ ਉਸ ਪੂੰਝ ਵਾਂਗ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤੱਕ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓਤੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਰੋਵਦੀ, ਪਿੱਟ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਖੋਵਦੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਵੇ ਬੂਆ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਪੁੱਤ ਮੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਤੀਰ ਕੇ ਕਰੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਲੰਘਿਆ, ਪਾਣੀ ਮਾਂ ਪਲਾ ਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵੈਰੀਓ ਬਜਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਡੋਕੂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਜੋਗ ਡੱਕੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਫੱਟਾਂ ਦਾ ਮਲਾਪ ਦੀ ਮਰਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀਓ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵੇ, ਖਲੋਤੀ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਲਾਸ ਵੇ, ਬੂਹਾ ਪੁੱਟ ਦੀ ਦਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਮਾਸ ਵੇ, ਖੂਨ ਮਰਮ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਰਾਣੀ ਖਲੋਤੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਦੀ, ਪੂਕ ਸੁਣ ਲਓ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬਾਲ ਦੀ, ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਬੂਆ ਲਾ ਦਿਓ, ਹਾਏ ਦਾ ਪਤੀਏ
तुरलाई पर उसकी चीकां किसी ने ना सुनी। उदी फरियाद पत्थर दिल नाल टकरा के वापस परता। राजा ध्यान सिंह की छाती विच धड़कदा दिल नहीं सी, एक पत्थर का टुकड़ा। वो एक ऐसा दुनिया से इंसान से जिहड़ा ना किसी की नेकी जानदा सी, ना किसी का एहसान समझदा। उस दिया नजरां दे सामने सी एक स्वार्थ, उसके दिल में सी एक तमन्ना। तमन्ना सी पंजाब दा राज अपने पुत्र नूं देण। एडे वड्डे लालच पिछे उन्हें वो कुकर्म किते, इन्ने खून किते कि मैं समझदा एक चरासी का गेड़ा नहीं। जद तक यह दुनिया कायम रहेगी, ध्यान सिंह की आत्मा 84 लाख के गेड़े विच दुर दुर करती तुरू फिरे। उसनों दुनिया का कोई मालक शक्ति नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। राजा ध्यान सिंह डोगरे ने अंदर की किया, आओ जरा किले के अंदर झाती मारी। महाराणी चंद कौर के दिल के अरमान उसके सीने में मच दिया सदरा, ओदी कतल होंदी मानता ते ओदे साल सन जेड़ी तो मां जानती है, जिसनू दुनिया के कठिन मार्ग से तुरना पिया। तख्तां ते पड़न वाले कदे धरती की धूड़ भी नहीं लेटन से मजबूर हो जाते। महाराणी चंद कौर कह रही थी, मैं जानती हां बेटा जो मेरे सीने में मच रही। बेटा मैं कूक के आखती हां, तू एक बार मैनू आवाज दे, तेरी मां दी कलेजे नू तेरी मां दी आत्मा नू शांति मिल जाए। Yeah.
ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਏ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਪੈਂਦਾ सरदार आए जिन्होंने आख्या महाराणी असी सब बेवस हो गए वेखो कुदरत की रंग खड़ाउंदी खौरिया दाता साडी झोली खैर पा दे मनुख उम्मीद से आसरे दे सहारे जिउंदा सारा संसार उम्मीद का पल्ला फड़ के तुरिया जा रहा बेउम्मीद दुनिया कदे किसे टिकाने नहीं पहुंची मरीज मरदा है फिर भी सोचता है शायद बच जावा रोड़े प्या मनुख सोचता है शायद को किनारा मिल जाए ते इसे तरह संसार सारा इस आस से तुरिया जा महारानी चंद कौर उन आस जरा किले के अंदर चलीए खमन बुर्ज है जिथे ना जाना किन्ने बादशाह बह के चले किन्ने शाह ने अपनिया रंग रलिया जिंदगी दे ऐश स्वर्ग जिंदगी दियां खेडा इस बुर्ज विच खेडी किन्निया ने लाहौर का खमन बुर्ज खोण वास्ते एक ने दूसरे नूं कतल किया लाहौर के किले वास्ते किनिया साजिशां बनाईयां गईयां लाहौर जिन्ना पुराना है शहर उन्ना ही पुराना है लाहौर का किला दो शहर पंजाब दे कहावत है कि भगवान रामचंद्र के दो पुत्रां दे नाम से बनाए गए लहू के नाम से लाहौर वसाया गया और कश्यप के नाम से कसूर वसया कितों तक यह गल सही है मैं नहीं कह सकता पर एक रवायत है तो बहुत देर की गल है जदों लाहौर का जन्म हो लाहौर एक पंजाब का ऐसा शहर है जिथे बादशाहियां ते बदलियां जिथे तखां दे चार लाइना सरवण की आज सज्जन टेप भी काट रहे थे मेज से लिया के रखते ने मैं इन्होंने चरणों में यह बेनती करना भाई कृपा करके एक साढ़े ही लंघ के टेप रिकार्ड मेज से ना रखेगा असं डिस्टर्ब होने से दूसरी बेनती भी कईयों यह नहीं पता भी असं रिकॉर्डिंग और प्लेइंग कट्ठी कर रहे हैं कि प्ले ही कर रहे हैं बहुत सारे टेप रिकॉर्डर अजे ने जिन्हों रिकॉर्डिंग से लाया नहीं जाता मुड़ के जाके घर वेखते हैं टेप रिकॉर्डर चो कुछ भी नहीं निकलता सवेरे कई बार मकैनिक वाल तुरे फिरते होने पता नहीं की नुक्स पै गया इसे तरह हूं भजंगी नहीं लिया के रखते इन्हू मैं दसिया भी तेरी रिकॉर्डिंग जी ठीक नहीं है बाबे और कल की रिकॉर्डिंग की भी सुन लैनी बहुत ही वे मकैनिक इन्होंने जरा मेरा जरूर कटे मैं जान दो बोलिया हाँ जी दुनिया की कहानी एक वक्री हो सकती है लेकिन जो साडे नाल बीती है ना इसनू जदों कोई इतिहास का विद्यार्थी पढ़ता है तो उहदियां अखां जरूर गिलियां हो जांदियां मन दुखदा है कई बार असीं सोचते हां भई उदों इउं किवें हो गया तुहाडे सामने घटनावां कुछ बयान कीतियां ने कुछ करदा रहांगा तुसीं तकोगे तुहाडे मन अंदर भी एक अहम सवाल पैदा होवेगा भई इह सब कुछ किवें हो एक गल समझ लैनी कि राजनीतिक आदमी
जिन्हों को ताकत हो, जिन्हों को कानून हो, वो कई बार वो कुछ कर जाते हैं जिरा सदियां पिछों पता लगता, सदियां लंघ जा। कल की गल है, अमरीका का प्रधान मिस्टर कैनेडी कतल होया, तो सारी दुनिया को पता है कि जी कतल की कहानी है ये असल नहीं, ये पिछे कुछ होर गल, वो कि गल है पता नहीं, 100 साल लंघ जाए उस गल में स्टेज पर आद्या। सरदार प्रसाद सिंह कैरों कल पंजाब कतल होया, वो तो जी कहानी कतल की घर के सुनाई गई, लोगों की ये तसली नहीं, तो कि असल तार थी जिन्हें पुतलियां हिलाईया, तो सरदार प्रताप सिंह कैरों का कतल होया, ये अजे कुछ दहाके होर चाहिए। देश की वंड किवें हुई 1947, तो साढ़े लीडर के मन में की कुछ सी वो हुण सामने आ गया। मौलाना अबुल कलम आजाद नूं पढ़ो, अद्धा क भांडा तो उन्हें फोड़ दिता है, तो बेईमान लीडर ने किस तरह देश नूं वंडिया। असं उदो समझते सी मुसलमान आते ने असी तुहाडे नाल नहीं रहना, इस वास्ते पाकिस्तान बन गया, लेकिन जिहड़ा ड्रामा खेडिया गया इहदे पिछे जिहड़ी कहानी है वह आहिस्ता आहिस्ता तुहाडे कोल पहुंच जाएगी, तो उदो असी आखते हैं साडियां पीढ़ियां ने पढ़ के गल आखनी कि उदो लोगों को पता ना लगा यह घटना किवें वापरी, कि सच है थोड़ी होंगी है कि उन्हें गल नहीं चलती, कोई वो कर कुछ नहीं सकता। महाराणी जिंद कौर नूं सारी गल का पता, सरदार शाम सिंह अटारी नूं पता, लेकिन वह बेबस दीवान दीनानाथ नूं पता सी, फकीर अजीज़ो दीन नूं सारी कहानी का पता, लेकिन वह कर कुछ नहीं सुन सकते, उन्हां दी शक्ति बड़ी कमजोर, राजनीतिक मोहरे नच रहे सन राजा ध्यान सिंह के हत्थां विच, जिवें चाहुंदा सी हो जांदा, ते उस आदमी ने कदे किसी नूं स्पेयर नहीं किया, कदे किसी नूं माफ नहीं किया। वो एक ऐसा इंसान है जिहड़ा सब तों वड्डा मौका प्रस्त है, उहदे हथ विच मौका आया, तुसां सुणिया कंवर नौ निहाल सिंह अपने पिता का संस्कार करके वापस तुरिया, हजूरी बाग वाले दरवाजे थानी लंघन वाला, हीरा सिंह ने आखिया अपने पिता नूं इशारा करके कि नाल मेरा भरा भी आ रहा है, तुहाडा भतीजा नाल तुरिया आउंदा हुण की कीता जावे, सौदा तकना जरा, राजनीति दे सौदे किन्ना पैमानिया नाल हारे और जोखे जांदे ने, जरा तकना उस गल। राजा ध्यान सिंह ने कहा मेरा भतीजा मारिया जांदा है, ते नाल अगर कंवर नौ निहाल सिंह कतल हो जांदा है मारिया जांदा ते सौदा महंगा नहीं। इस तरह राजनीतिक इंसान सौदे करिया करदे, छज्जा डिगया, मियां ऊधम सिंह जी मौके ते मौत होई, कंवर नौ निहाल सिंह जख्मी हो, सट उन्हां नूं बड़ी थोड़ी, वो जमीन ते डिगे, वो उठण दा यतन कर रहे सन, जदों ध्यान सिंह डोगरे ने मौके ते खड़े कीते हुए पहरेदारां नूं जिन्हां कोल पालकी सी हुक्म दिता, और उन्होंने फौरन उठदे उठदे कंवर नौ निहाल सिंह चुक के मलोजोरी पालकी विच पा पालकी लैके वो किले नूं दौड़े। बाकी दीआं सिख फौजां ते सिख सरदार महाराजा खड़ सिंह की बढ़ती हुई चिखा नूं हसरत भईआं निगाहां नाल तक रहे सन जदों ये खूनी कांड वापर, क्योंकि वो था जिहा चुणिआ जिथों लोगों की नज़र नहीं सी पैंदी। कंवर नौ निहाल सिंह किले के अंदर पहुंचाए गए, उन्होंने एक भोरे विच नज़रबंद किया गया, महाराणी चंद कौर नूं पता लगा, कुरलाई चीखा मारिया, जान हूलवी उसदियां फरियादां किले दियां उन्हां बेजान कंधां नाल टकरा के वापस परताईआं, कोई नहीं सी जिहड़ा महाराणी चंद कौर के दिल से कोई पट्टी रखता, खुदे रोंदे अथरू पूंजदा, उन्हूं कोई धीरज दिंदा। आओ जरा किले के अंदर चलीए, खम्मन बुरज के थले भोरे ने, इन्हां भोरियां विचों एक विच कंवर नौ निहाल सिंह नूं सुत्या गया। राजा ध्यान सिंह डोगरा ते उहदे दो पहाड़ी नौकर उहदे कोल, कंवर नौ निहाल सिंह नूं मारन की स्कीम सिरे चढ़ाउण वास्ते एक वड्डा सारा पत्थर लिआंदा गया, कुछ रस्ते लिआंदे गए ने कंवर साहब नूं जूड़न वास्ते कि वह हिल ना सकन, नस ना सकन। आदमी आदमी को भज जांदा, कई बार कैदी जेल दियां दीवारां तोड़ के नस जांदे, पर भाई मौत ऐसा महाबली जाल है जिस विचों मनुख फसिया होया भज नहीं। मूसा आंदे भजा सी, पर जदों पहुंचा ते मौत उसकी उत्थे यूं की तूं हाजर,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਖੜੀ। ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਸਿਰ ਦੀ ਸੰਭਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਦਮ ਘੁੱਟੀ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਭੋਰਾ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਬੱਬੂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਪਰਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਤਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੜਪ ਉੱਠੀ ਆਤਮਾ ਸੁਣੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਰਾਜ
साहब नू सुझ गई कि मैं अजे ही थां आ गया हां जिथों जिंदिया वापस चले जाना बड़ा कठिन है, नामुमकिन है। इंसान अपनी जिंदगी बचाने वास्ते अपनी जिंदगी का सब कुछ वारन तैयार हो जाए। अमरना निहाल सिंह ने आखिर राजा भयान सिंह जी तेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के पारोकार जो थोड़े सिर पे ने उन्होंने ख्याल रखना। आपने उसकी नेकियां सदा अपने दिमाग में छां देनी। बड़ा वड्डा परोपकारी महाराजा सी ते मैं उसका पोतर हां। अखां दीवान विच पहुंचे हुए गुरमुख प्यारे बुजुर्ग सरदार हरनाम सिंह जी जिहड़े देश तों इत्थे आए हुए ने, पिंड वराणा जिला अमृतसर तों पावन दरबार विच पहुंच के अपने बच्चों का सत्कार करते हैं। सतगुरु जी रामदान बच्चन गरीब नवाज उन्होंने बेरोक धावा कमरना निहाल सिंह ने कहा मेरे बजुर्गों के किए हुए कारनामे अपने दिमाग में रखने। ध्यान सिंह जी मैनू पता है या सिंह तुसी तख्त दवाना चाहते ते मैं खुशी नाल दस्त बरदार हो जाना तख्त लियाओ मैं अपने हथां नाल तिलक ला दिंदा। कमरना निहाल सिंह कह रहा अपना ताज सिर तो ला के हीरा सिंह के सिर से बंध देने। जे तुसी आखोगे मैं पंजाब विच रहांगा, जे तुसी मेरा पंजाब विच रहना खतरनाक समझो मैं पंजाब छड़ के चला जाऊं, मैं अपना परिवार भी नाल ले जाऊं। मेरी मां मेरी याद विच रो रो के अखां तो नहीं हो जाए, असी मन के गुजारा कर लवांगे कि सानू दित्ता मारिया नू होर दित्ता विच ना पाउणा। राजा ध्यान सिंह ने आख्या कमर साहब जमाना लंघ गया, समा बीत गया, अंत का समय है, तुसी अपने रब नू याद करो। कंवर साहब के मन में धूक निकली। उसने कहा राजा ध्यान सिंह मैं सुनगा सर कि दुनिया में आदमी आता है जीवन यात्रा करता है तुर जाता है नाल लेके कुछ नहीं जाता, पर मैं कुछ लैके जावा। राजा ध्यान सिंह ने अच्छा की लैके जाओगे? कंवर साहब ने जवाब दिता सौदा जहां से आके कोई कुछ ना ले गया, जाता हूं एक मैं ही दिल में आरजू लिए। अपने मन में एक रीझ लैके फिर चले। रीझ थी इस पंजाब नू चार चन लाउण, रीझ थी इन्हां पंजाबियों की कुछ सेवा करन दी। इस देश की मिट्टी नू मैं सोने की शकल देनी, मैं लोगों नू चंगा इंसाफ देना सी, राजदियां अदा वधाउणियां सन, सिखी अंशां नू होर चमकाउणा सी। पर अफसोस राजा ध्यान सिंह तेरी बेईमानी मेरे रस्ते में रोड़ा बन के खलो। राजा ध्यान सिंह ने वड्डा सारा पत्थर चुकया जिहदे अपने दिल में पत्थर सी, उन्हूं पत्थर मारन लग्या केड़ी कोई बहुत वड्डी गल सी। लाज नहीं आई, तरस नहीं आया, रहम नहीं खादा। कमर साहब के सिर वाले बने खलो के राजा ध्यान सिंह ने अपने सिर तो उतार वड्डा सारा पत्थर चुकया ते कमर नाल निहाल सिंह के सिर में मार। ध्यान सिंह ने सुरे ना धर ले, ध्यान सिंह ने सुरे ना धर ले, तो जैन मारी दिन ले आया है मना, जुड़े हाथ वेगे मेरा भी न दिल डोले दुख पत्थर 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 दिल डोगरे पते होए कौन साहब दे खड़े होए गे क्यों दिता। राजा ध्यान सिंह डोगरे ने महाराजा रणजीत सिंह जी दिया मेहरबानियां का बदला जो उन्होंने उस नीच तो ऊंच बनाया। दिल्ली विच एक मैगजीन निकलता है, इतने भी वो आता है, सारी दुनिया में लोग उसको पढ़ते हैं, उसका नाम है दी इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। उसका एडिटर है सरदार खुशवंत सिंह। सरदार खुशवंत सिंह ने किताब लिखी, उसका नाम है दी फॉल ऑफ दी किंगडम सिख किंगडम ऑफ पंजाब। उसके विच राजा ध्यान सिंह डोगरे नू देश भगत कही जा। सीधी जी गल है,
अंदाजा लाया जा सकता है कि ये देश भगती इसे का ना है तो देश द्रोह किसू आख्या जाए। डोगरे अज तो 150-200 साल पहला अपन मोहर सिख सरदार खरीदते सन पंजाबी वजारत से कब्जा करने वास्ते। 150-200 साल लंघ जाने पिछों अज भी डोगरों दिया सोने दिया मोहर खुशवंत सिंह वर्गियों खरीद के यह इतिहास लिखवा रही है। ध्यान सिंह डोगरा बड़ा वड्डा देश भगत उस किताब में जिहड़ा कोई सज्जन चाहे वह जरूर पढ़े पर इस उसकी किताब पढ़ने तो पहला उसको बाकी का सिख इतिहास ही पढ़ना पवे ताकि ये सामने दोवें तस्वीर आ सकन। एक बने सिख इतिहास में वाच सके एक बने खुशवंत सिंह की करतूत वेख सके फिर पता लगेगा कि डोगरों दी मोहर अज तक किवें साडे इतिहास में मन्ने परमन्ने लखारियों खरीद के वगड़ा रही और सानू ये तो मुताहत होने की लोड़ है। राजा ध्यान सिंह डोगरे की देश भगती अजे तो तुसा वे कुछ भी नहीं देखा तुम एगा तकोगे कि किड्डा वड्डा देश भगत। खैर मेहनत कर रहा था हूँ डॉक्टर होने बर्गर नू बुलाया कमल ना निहाल सिंह की मौत हो चुकी फिर सारा पार चुका है इतों तक कि सिर के नक्श चेहरे के नक्श भी पछाने नहीं जाते इन्ना सिर फिस गए उस भोरे चुके कमर ना निहाल सिंह के अपने रिहायशी कमरे में उसकी लाश में पलंग पर रखे थले थले गलीचे विछाए गए हैं उत्ते पश्मीने की चादर दिती है। हुण डॉक्टर हौनिक बर्गर नू बुलाया जाता डॉक्टर हौनिक बर्गर ने जो कुछ वेख्या बाबा प्रेम सिंह होती अखी दिखे हाल कमर ना निहाल सिंह की मौत के हैडिंग करम सिंह की एडिट की हुई बहुमुले इतिहासक लेख के चैप्टर लिखता है उसकी गवाही पढ़ने योग। डॉक्टर हौनिक बर्गर कहता है जदों मैं गया हाँ कमर ना निहाल सिंह की लाश उत्ते पश्मीना दिता हो मैं उठाया तो कहता मेरा दिमाग चकरा गया वे कमर साहब का सारा सिर फिस चुका जिस थान पर उन्हों का सिर पिया थले उन्हों की चादर के उत्ते लहू के ढेर लगे हुए सिर वाले बने लहू की छपड़ी लगी हुई थी जिसे अद्धा सिर लगभग डुबया हूं डॉक्टर भी राय तकनी वह कहता है जिस सराहने उत्ते कमर साहब को जख्मी हालत में चुक के लिया उसके उत्ते 10 बूंदा खून दिया ने नानक शाही रुपये जिन्ना गो दाग है जे कंवर ना निहाल सिंह इन्ना ही थकड़ सी सख्त जख्मी सी वह पालकी विचला सराहना उदों खून नाल उत्ते क्यों ना भेजा। बड़ा अहम सवाल जे राजा ध्यान सिंह की बेईमानी नहीं सी तां उसने उत्थे पालकी पहला क्यों मंगवाई जदों यह पता नहीं कि इतने कोई घटना वापरनी उन्हें 40 तोपखाने के सिपाही बगैर वर्दी तो क्यों सदे फिर वह पालकी में पा के कंवर ना निहाल सिंह किले लैके क्यों गया और उन्हें बाकी के सरदारों किले का दरवाजा बंद करके उन्होंने अंदर क्यों ना आने दिता। महाराणी चंद कौर से बीबी नानकी कंवर ना निहाल सिंह मिलन क्यों ना दिता गया यह अहम सवाल ने जिहदा जवाब तारीख के वर्किया कोई नहीं मिलता तो जे मिलता है तो यह है क्योंकि राजा ध्यान सिंह डोगरा समझदा सी कि कंवर ना निहाल सिंह मारन की साजिश मेरी जिहड़ी छज्जे थले सिरे नहीं चढ़ी वह मैं किसी लुकवे थां उत्ते जाके सिरे चढ़ा दें इसे ही वास्ते कंवर ना निहाल सिंह किसी होर हथियार नाल नहीं मारिया गया गोली भी मारी जा सकती थी गल भी कुटिया जा सकता सी तलवार नाल कतल किया जा सकता सी पर छज्जे दे जुम्मे गल किवें ला सकता सी इस वास्ते उन्हें कंवर ना निहाल सिंह मारन वास्ते इसे पत्थर की वरतों की। राजा ध्यान सिंह डोगरे के खिलाफ जदों रौला पिया उन्हें आख्या जे मेरे मन में पाप होता तो मैं अपने भतीजे ऊधम सिंह को किवें मरवा दूं तो यह गल में एडा वड्डा वजन सी कि सच होंदिया होया भी लोग इस सच में सच कह नहीं सन सकते। राजा ध्यान सिंह डोगरे ने अपना भतीजा मरवाया अपने पुत को तख्त पर बिठाने वास्ते हिंदुस्तान के शहनशाह का इतिहास गवाह है कि उन्होंने आप तख्त उत्ते बहन वास्ते अपने पितावान सत्त वरे जेल में गालिया अपने भावों को कतल किया ईद वाले दिन उन्होंने सिर कट के अपने पिता के सामने तोहे वजो रखे तख्त वास्ते भतीजा की बहुत कुछ कुर्बान किया जाता और ऐसा किया गया। औरंगजेब ने किया
शाहजहां नूं 7 वरे कैद रखिया, तारे नूं कतल कीता, मुराद नूं कतल कीता। कई कहानियां तुहाडे सामने। फरसीर नूं तख्तों लाउण बदले फरसीर ने तख्त हासिल करन लग्या अपने दो भरा मारे। तो भाई तख्तां दा लालच मनुखां नूं मनुख नहीं रहण दिंदा। कोई गल उहदी विच वजन नहीं जापदा कि मैं अपना भतीजा मरवा दिता है ते इस वास्ते मैं मुबर्रा हां। अगे चल, डॉक्टर होने बर्गर पहुंचे है किले के अंदर। कमरों ने आल सिंह जी गुजर चुके। लहू के दरिया में डुबा होया पंजाबियों का यूसुफ शहजादा सदा लिए संसार चो तुर गए। सात संगत जी, इस दुनिया उत्ते आके कमर नौ ने आल सिंह के अरमान किवें कतल होए ये आपने भली प्रकार सरवण किया। 19 साल 7 महीने 27 दिन की उम्र थी कमर नौ ने आल सिंह की जिस दिन उसनों डोगरा राजा ध्यान सिंह ने मार दिया, कतल कर दिया। डॉक्टर होने बर्गर ये वेख के उसने चादर कमर नौ ने आल सिंह के शरीर से दे दी और अपने अथरू पूंज के डॉक्टर अपनी दवाइया का झोरा उठा के किले के दरवाजे चो बाहर बाहर निकलते हुए डॉक्टर होने बर्गर में राजा ध्यान सिंह मिले। तलवार विखा के कहने लगा, डॉक्टर साहब ख्याल रखना, नौ निहाल सिंह की मौत की खबर किले दीवारों तो परले बने नहीं जानी चाहिए। राजा ध्यान सिंह उदों पंजाब का खुदास बेचारा विदेशी जर्मनी डॉक्टर जहन मार्टन होने बर्गर चुप कर जदों थोड़ी दूर हो चला गया फिर मगरों आवाज मारी ते आवाज उची मारी आख्या, डॉक्टर साहब कमर नौ निहाल सिंह मुर्गे की तरी मंगते ने, जे कोई हर्ज ना हो इन्हों पीण दे दी जाए। तो डॉक्टर साहब ने अपना मन पत्थर करके जवाब दिता, राजा जी हुण कंवर साहब राजी ने, तंदुरुस्त ने, हुण तरी नहीं हुण साबत मुर्गा ही छक लैणगे शिकार। यह जवाब है जिहड़ा साडे तारीख के पन्नियां उत्ते लिखिया है। हुण जरा तकीए ये आवाज दूर जाके क्यों मारी। असल में राजा ध्यान सिंह डोगरे की मंशा यह थी कि किले दियां दीवारां नाल सरदार ते महाराणी चंद कौर कन्न ला के वेखना चाहते ने भी अंदर की हो रहा है, उन्होंने भुलेखा दिता जाए। वो समझ लैन के अंदर डॉक्टर नूं सुना दिता जा रहा है ते डॉक्टर ने आख्या कि कंवर नौ निहाल सिंह राजी ने, वह मुर्गे की तरी छक लैणगे, उन्हां दी तसली हो जाए। यह है राजा ध्यान सिंह डोगरे के पाप की मूंह बोल की कहानी। महाराणी चंद कौर अपने रणवास में पहुंच गए। उस रात कमर नौ निहाल सिंह की मौत की खबर गुप्त रखी। अगला दिन चले ममता की मारी मां अपने पुत्र के वियोग में मरण किनारे होई पई। जिहड़ी कल विधवा हुई ते अज नुकुत्ती होने वाली है मां दियां आंदरां कल गईयां। वो जानती सी कि मेरे अंदर अगर बेचैनी है तो कंवर साहब इस दुनिया ते नहीं। पर मरदा आदमी कई बार अपने मन में ढारस देंदा है, जानता होया कि मन मैं रोड़े पिया होया वो तीलियां नूं हाथ पाउंदा है कि मेरा किते कोई हाथ अड़ जाए। कदे महाराणी सोचती है कि जो कुछ मेरे अंदरों आवाज उठ रही है मेरी आत्मा कह रही है कंवर नौ निहाल सिंह तू मैनू छड़ गए, तो फिर वो कदे आखदी नहीं, अपने मन नूं आखदी चंद कौर चंद कौरे चंद कौर की आत्मा यह आवाज देंदी इस तरह ना आ तू सपुत्ती होवे, तेरा पुत्र पंजाब का बादशाह है, तेरा पुत्र लोहड़े का जवान है, तू एक होनहार सिपाही है, कमाल का सेनापति है, एक नेक ते इंसाफ पसंद तेरा पुत्र बादशाह है, तू ये सुखना मंग। योजे दिमाग में विचार क्यों लो। 9-7 विचारियों धीरज देने वाला कोई नहीं जा राजा ध्यान सिंह पहुंच। राजा ध्यान सिंह ने जाके महाराणी चंद कौर में बुला के कहा, महाराणी मनु अफसोस है कि मैं कंवर साहब की जिंदगी बचा नहीं सकी। तो सुनिया मां के दिल उत्ते पत्थर वन पिया। सधारण जी गल नहीं, उस वे चंद कौर के भा दे दुनिया में सारे संसार के सुख आराम खंभ ला के एक चाक हो तो सीधे हम दम गरेबा अपना जालिम ने साय डाला है तार तार करके। महाराणी चंद कौर का कोई एक जख्म हो तो राहत की पति बने, महाराणी चंद कौर में कोई एक दुख हो तो इलाज किया जाए।
महारानी चंद कौर का संसार उजर गए। पत्नी की जिंदगी है अपने पति के सतर छाए थले जीवन दे, इज्जत भी और मान भी वो नहीं लिया। पुत्र बादशाह सी अकला बेटा है ते वो भी संसार विच बे आसरा छड़ के तुर गए। महारानी के भा की दुनिया हनेर, कमराणी ने ताई मार मार के लाहौर दे किले दियां कंधां नाल अपना सिर पाड़ना शुरू की, टक्करां मारियां के खोस ते। पर भाई रोम कुरलाउण नाल कदे संसार नूं छड़ गए आदमी जे वापस परताए जा सकदे ते शायद दुनिया का फल एडा वड्डा ना। इस दुनिया से तुर गया मनुख कदे वापस नहीं आएगा, उसे याद में चाहे कुछ भी क्यों ना कीता जाए। राजा ध्यान सिंह डोगरे ने झूठी मिठी की धीरज दी महाराणी चंद कौर नूं आख्या, महाराणी साहब कंवर की जिंदगी तो बच नहीं सकी, लेकिन जे तुसी मेरे आखे लग के होर एक अद्धा दिन कंवर नूं उहने आलपिन की मौत की खबर किसी नूं ना दसो तो मैं तुहानूं तखत पंजाब का दवा देंगा, यह मैं तुहाडे नाल इकरार करदा। है दुनिया में कोई जिहा सौदेबाज जिहड़ा किसी औरत का सुहाग खोल रहे उन्हें नकुत्ती कर दे तो उन्होंने ये आखे कि तू एक दिन अपने पुत्र की मौत की खबर किसी ना दो तो मैं तेन तख्त ले जाऊंगा। कोई है मां दुनिया की जरा अपना परिवार कुर्बान करके तो दुनिया का तख्त हासिल करना चाहती है? और मनुख ने ऐसा किया है लेकिन औरत ने कदे ऐसा नहीं किया। जिन्हें समझ नहीं उन क्यों तुम यह काम करने वास्ते भेज लो? किसी होने भी बीमारी तो नहीं समझे। कृपा करके अपने कंट्रोल में रखा करो, उसे भी आवाज सुनी जाती है। रिकॉर्डा के रिकॉर्डर बड़े चंगे ने तो मैं इन्होंने हथों बड़ा उत्साह चीका मार रही है तू कुछ कर दी। हाँ जी मैं आपके सामने अपनी तवजो फिर उस थान ले जाना चाहता जिथे मैं अपने दुखांत नुडे को कुछ वक्त लिए विसारिया। महाराणी चंद कौर विचारी चुप कर गई इसलिए उदे रोम सुन वाला कोई नहीं। महाराणी चंद कौर इस वास्ते अपनी आवाज में घुट के बह गई क्योंकि समझती सी कि मैं अपना रोना किनू सुनाव। कोई मेहरबान नहीं संसार में, कोई अपना नहीं। तो रोन का मजा है किसी सुगिरद को रोन तो सही गम मनुखा अंदर खाते रवा के मार दिया करता है। मैंने पुरानी नजम चेते आई कदे ढेर है, रोना हो तो रो चुपके चुपके, आंसू ना बहे आवाज ना हो, यह है सच्चा रोना। तो यह रोना मनुख नूं बहुत छेती संसार की यात्रा विच तोड़ दिंदा है। यह रोना लै लै बेचारी महाराणी चुप कर गई। हुण कंवर नौ ने अल सिंह की मौत की खबर तो देनी, किन्ना चिर उस मुर्दे नूं लुका के रखा जा सकता? शेर सिंह नूं कंवर नौ निहाल सिंह की मौत की इतलाह देने वास्ते राजा ध्यान सिंह ने अपनी खास चिट्ठी द्वारा विचारे सूचित की ते नाल उहदे विच इह लिखिया कि महाराजा शेर सिंह तख्त वास्ते तुहाडा राह खुल गया, तुसीं छेती तख्त हासिल करना है लाहौर परत आओ। अपनियां फौजां लैके वटाले की जागीर विच बैठा होया शहजादा शेर सिंह 300 सिपाही लैके लाहौर वल नूं तुरिया। उस वेले दे दुखांत नूं तुहाडे सामने इक रुबाई है अर्ज करदा। Oh
बहादुर सेनापति मेरे पंजाब दे अरमाना दी मूर्ति कंवर मां ने हाल सिंह दी मौत दी खबर तीन दिन लोगों को लुकी है। साधारण जी जिंदगी इस संसार विचों तुर जाए उदी लाश नूं संभालण दा उहदे वारस ते मित्र दोस्त किन्ना तरद्दद करदे ने। पंजाब दा पंजाबियां दा बादशाह सम्मण बुरज विच तीन दिन पिया रहा, किसे ने नहीं संभाले। यह है राजा ध्यान सिंह के मन की कठोरता की कहानी। तीन दिन पिछों कमर नौ निहाल सिंह की अर्थी का जलूस निकल लाहौर की बदनसीब सरजमीन उत्ते तीसरी बादशाह की अर्थी है जिड़ी लाहौर के शाही महल चों डेरा साहब वाले बन्ने नू तुरी। कमर साहब नू सत्कार करने वास्ते लैके तुरे हैं। मातमी बैंड वजे है, सिख सिपाही ताई मार के रोया, सिख जरनैल दी अखां विच अत्थू किरे ने। उस वेले मैं समझदा हां महाराजा रणजीत सिंह जी दीआं समाज दीआं ममतियां वी होईआं होणगीआं। पोतरा आ रहा है बाबे नूं मिलण वास्ते। चंदन दी चिखा उत्ते कंवर नौ निहाल सिंह नूं चढ़ाया गया और महाराणी चंद कौर दीआं अखां दे सामने जिथे अजे कल उहदे पति दे सिरे दे अंग्यार दग रहे सन उत्थे उहदे पुत्तर दी मरी लट लट करके मर। तीन दिन दा फर्क, 5 नवंबर 1841 ईस्वी नूं महाराजा हरक सिंह दी चिता जलाई गई और 8 नवंबर 1841 ईस्वी नूं विचारे कमर नौ निहाल दी मरी उसे थां ते मचाई। महाराणी चंद कौर अखां दे सामने सिरे बाधे तक रही, उहदा मन पत्थर हो गया। हुण उहदीआं अखां विच अथरू भी नहीं, उहनूं सोच भी कोई नहीं। उह की करे, राज प्रबंध किवें करे ते पंजाब राज नूं किवें संभाले, उहदी सोच तों बाहर दीआं गल्लां। राजा शेर सिंह ने भतीजे दा संस्कार करवाया। 2-4 दिन सोग मनाउण पिछों कौंसल बुलाई गई। कौंसल सभा दे मैंबर इकट्ठे होए। राजा शेर सिंह ने पहला सारे नाल अफसोस किया, मुड़के आप तख्त का दावेदार बन के अपना दावा भी पेश किया। उसने कहा कंवर नौ निहाल सिंह क्योंकि बगैर औलाद के मरिया, मेरे वड्डे भरा का पुत्र सी, उसकी अगे जद कोई नहीं, इस वास्ते उसको पिछों खड़क सिंह की खानदान के पिछों शेर सिंह कहता मेरी वाल, मैं पंजाब का बादशाह बनना। अपने यह नहीं पता कि पंजाबी नानकी नूं भी बुलाया जाए, दोवां धिरां दे बयान सुने जाण और हकीकत सामने रख के इंसाफ करके तख्त का फैसला कर दिता जाए। खुला इजलास बुलाया गया। राजा ध्यान सिंह डोगरा शेर सिंह नूं तख्त ते बिठाउणा दिलों नहीं सी चाहुंदा, पर वह मजबूर, वह चाहुंदा सी मैं हीरा सिंह नूं तख्त का ऐलान करके बादशाह बना दिया, पर वह जानदा सी अजे महाराजा रणजीत सिंह दे 6 पुत्र जीउंदे। 6 पुत्रां दे हुंदे आ हीरा सिंह नूं तखत दा दावेदार नहीं सी नियत कर सकदा, इहदी मजबूरी। ते उहने इह सोचिआ कि जिवें हौली हौली मैं 2 अपने राह चों हटा दित्ते ने, जे मैं इसे तरह इसे चाले तुरिआ रहा तां मैं बहुत छेती उहनां 6 नूं वी रस्ते विचों हटा के हीरा सिंह नूं पंजाब दा बादशाह बना दिआ।
समय की उड़ीक कर लगा तो राजा शेर सिंह की उसने तरफदारी शुरू कर दी। ध्यान सिंह डोगरा जिस बंदे हो ता भारा होना कुदरती गल सी, पर आखिरकार इजलास में महाराणी चंद कौर की वारी आई। उसने सरदारों के सामने एक बयान दिता, उसने आख्या मैं खालसा राज के सरदारों के सामने एक बयान देना चाहती हूँ, यह है कि कंवर नौ निहाल सिंह के घर बाल होने वाला है, उसकी सपत्नी गर्भवती, जे वह किसी लड़के नूं जन्म देवे तां कंवर नौ निहाल सिंह का पैदा होने वाला पुत्र तखत का वारस होवे, जे लड़की पैदा होवे ते सिख सरदार जिसनूं चाहुण पंजाब का बादशाह बना देण। महाराणी चंद कौर ने कहा मैनूं कोई इतराज नहीं है। ये दलील बड़ी वड्डी, विरोधियों भी महाराणी चंद कौर की इस दलील वाले बने झुकना पिया। कई बार पंचायत फैसले होंगे ने मददगीर एक पक्ष का पक्ष पूरते हैं, तो जो आदमी बजाते खुद झूठा हो जाए तो मददगीर भरी पंचायत में उसके हक की गल नहीं कर सकते, भावें दिलों चाहते होंगे। जी सच्चाई सामने है उसके खिलाफ तुरन की समर्था बड़ी मुश्किल है, मनुख नहीं तुर सकते। जेड़े सरदार कंवर शेर सिंह नूं पंजाब का बादशाह वेखना चाहते सन, महाराणी चंद कौर की इस दलील के सामने उन्होंने भी चुप होना, और आखिरकार महाराणी चंद कौर का धड़ा इन्ना भारा हो गया कि शेर सिंह ने यह गल प्रवान कर ली। जिन्ना चिर तक यह नतीजा नहीं निकलता वह बच्चा जन्म नहीं ले लैंदा, सरदारा ने फैसला किया उन्ना चिर तक महाराणी चंद कौर नूं पंजाब राज की गार्डियन नियुक्त किया जाए। फैसला हो जाने पिछों नतीजा निकल जाने पिछों नवा नवी राजबंतर बने। महाराणी चंद कौर अपने अणजन्मे पोतरे के नाम उत्ते पंजाब का राजपाल संभाल दे, ते कंवर नौ निहाल सिंह एक महीना 28 दिन राज करके इस दुनिया विचों तुर गए। महाराणी चंद कौर ने तखत संभाल लिया, राजा शेर सिंह की गल चल ना सकी। हाँ यह जरूर सी कि जिहड़ी कौंसल बनी हुई सी उहदा बदस्तूर बादशाह।
करना ते समझना ता एक पासे रिया ओ गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकंगे। गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी नाल संबंध कीवें जोड़नगे, अपना जन्म कीवें सफल कर सकंगे। हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे, असी ता उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ ऊंटाई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध गुरु नानक देव जी का प्रकाश होया तो मुगल राज का समा सी। हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियों,